अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ आमरीन का आशियाना ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये मेरा सेकेंड डे हो गया है और आज मेरी छुट्टी है। मैं उठी हूँ बहुत ज़्यादा लेट, पर आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। धूप अभी तक नहीं निकली है, देखते हैं निकलती है कि नहीं। और चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं। ये देखिए मेरा घर और मेरी छत से कितना अच्छा व्यू आता है ये पेड़ का। ये देखो तो प्यारा लग रहा है ना। आपको मैं इसका सिनेमैटिक शॉट दिखाती हूँ अपने गाँव का। गाइस हमारा गाँव कुछ इस तरह का है, हरा भरा सभी है और थोड़ा सा गांव लुक भी है, बहुत थोड़ा सा शहर भी हो गया है क्योंकि लोगों ने अपना घर बनवा लिया है। कुछ कुछ घर ऐसे कच्चे भी हैं। ये देखो, ये है व्यू हमारे घर के पीछे का। पता नहीं किसी का घर है ये शायद। ये देखो मैंने पी ली है ये ग्रीन टी। और कौन मेरे जैसा मुंह बना बना के ग्रीन टी पीता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ग्रीन टी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, पर मेटाबॉलिक रेट इससे बहुत हाई हो जाता है तो इसकी वजह से मुझे पीनी पड़ती है और अब आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। चिकन मेरा मैरिनेट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ, मैं बनाऊँगी यहाँ, ये बरामदा है ना मेरा, यहाँ पे मैं चूल्हा बनाऊँगी क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही है। और कल इसी हवा की वजह से ना मेरी मतलब मैं पकौड़ियाँ बना रही थी, बहुत ज़्यादा धुआं उसका लग रहा था आँखों में। मैंने उसके बाद कुछ बनाया नहीं और मैं पहले जा रही हूँ उसको साफ़ करने, उसके बाद मैं यहीं पर चूल्हा बनाऊँगी ईंटे से और उसमें बनाऊँगी हांडी चिकन। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है और पहले मैं साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद नहाऊँगी, फिर मैं चिकन बनाऊँगी, फिर मैं आप लोग के साथ दिखाऊँगी। ये है हमारा बरामदा और इसको साफ़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दान वान रखा था ना तो इसके वजह से थोड़ा सा ही गंदा है। इसको साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद यहीं पे एक चूल्हा बनाएंगे। और क्योंकि ये बंद है, दो तरफ से इधर आंगन है, आंगन में खुला है और यहीं पर फिर हम अपना बनाएँगे चिकन। चलिए चलते हैं, जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। गाइस ये नीम का पेड़ है और इस ये मेरे घर के बाहर है, पर ना इसका जो पेड़ झाड़ है ना ये बाहर तक मतलब अंदर घर के अंदर भी आता है। इससे बहुत ज़्यादा गंदगी आती है, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने साफ़ कर दिया पूरा अच्छे से और अच्छे से मैंने यहाँ साफ़ कर दिया है और आंगन में भी साफ़ कर दिया, बाहर तक साफ़ कर दिया, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब मैं नहा लेती हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है और आज ना कोहरा है अभी भी, धूप नहीं निकली। कल तो धूप निकल आई थी, आज धूप भी नहीं निकली है। नहा लेती हूँ और फिर नहा के मिलती हूँ वापस क्योंकि ना खाने के लिए बहुत देर हो जाएगा। मुझे चिकन में बनाना है, चूल्हे पे बनाना है। तो चलिए चलते हैं, पहले नहा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखो गाइस हमने यहाँ पे चिकन भी मैरिनेट करा हुआ रखा है और यहीं पास में सारी चीज़ें रख ली हैं, प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें। अब स्टार्ट करने जा रही है। मेरी हांडी गर्म होने के लिए रख दी है। हांडी को पहले मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, उसके बाद में मैंने इसको 4-5 घंटे के लिए पानी भर के रख दिया था। पानी को निकाल के उसकी साइड से ऐसे मैंने मिट्टी का लेप लगा दिया, इससे ना हांडी हमारी फटेगी नहीं। और इसको लो फ्लेम पे रख दिया मैंने इसको गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाएगी तब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो मैंने सरसों का यूज़ किया है और ऑयल मैंने पहले से इसको पका लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी और आगे का प्रोसेस आप देखते जाओ कैसे कैसे करती हूँ मैं। गाइस मैं खेत से वापस आ गई थी। मैं वापस आने के बाद बना ली हूँ अब चिकन हांडी और मैंने आपको थोड़ी से प्रोसेस बताएं, अब आगे आके देखिए मैं बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ आप लोग देखिएगा। गाइस मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ और हांडी गर्म हुई और हांडी फट भी गई। मेरा हांडी चिकन तो फेल हो गया। अब मैं जा रही हूँ इसको सेम प्रोसेस से कोई भगोने में बनाने। आपको दिखाती हूँ मेरी हांडी कहाँ से फटी। ये देखो इतने उसी ये अंदर सूखी भी नहीं है, सूख रही थी, हमें लगा सूख जाएगी तो इसमें ऑयल डालेंगे और ये फट गई पता नहीं कैसे। अब बताइए मैं इसको क्या करें। आप लोग मुझे, मेरी वो वाली हांडी तो फेल हो गई। अब मैं ये ऐसी सिल्वर की हांडी लेकर आई हूँ, उसमें मैंने लगाया है मिट्टी का लेप क्योंकि ज़्यादा मांजना ना पड़े। और अब इसी में ही बनाते हैं, क्या करते हैं क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बनाना तो है ही और चूल्हे पे कोई भी और बर्तन रखेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा मेरा इंडक्शन के जो भी बर्तन है, तो हम इस पर बनाए जा रहे हैं। चलिए चलते बनाते हैं। आपने देख लिया मेरी हांडी कैसे फट गई और पर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगी। मैंने तेल डाला, प्याज डाली, खड़े गरम मसाले थे वो डाला, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तब मैंने जो चिकन मैरिनेट करा हुआ था वो डाला, डाल के अच्छे से भूंजा। उसके बाद में फिर पानी डाला, थोड़ा सा हरा धनिया डाला, जो मैंने गरम मसाला पहले बनाया था वो पूरा डाल दिया। डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके और थोड़ी देर ढक के पकाया। उसके बाद भी जब ये पक गया ना तो उसके बाद मैंने सर्व कर दिया। फुल डिटेल रेसिपी अमरीन के आशियाना वाले चैनल पे आप लोग जाके लाजमी देखिएगा, आज ही मैंने अपलोड करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लाजमी डाल दूँगी और ज़रूर जाके देखिएगा। और मेरी वो वाले चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मैंने फर्स्ट टाइम ही ये चूल्हे पे बनाया है पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ठंड थी ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे बना के बहुत अच्छा लगा। कभी भी मेरे घर में पहले मम्मी बनाती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि धुआं उठता है, पर नीचे मैंने बरामदे में बनाया तो यहाँ पर हवा नहीं चल रही थी, बहुत अच्छे से बनाया। मम्मी मेरी कड़े के पीछे गाइड कर रही थी, जब बुझ जा रही थी तो फिर बाद में मुझे जलाना आ गया और मैंने पूरा खाना अकेले बनाया। और ये देखो हमारा कुछ इस तरह का था चिकन। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और मेरे वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और जाके वहाँ डिटेल रेसिपी आप देखिएगा। बाय।